से हजार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया। बीजेपी पर लगाया वंशवाद का आरोप। बीजेपी में कई आरोप हैं, जो कहां से हम शुरुआत करें। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने भी लगाया वंशवाद का आरोप। कविता पाटीदार के राज्यसभा जाने पर बोले भनोत, पूर्व मंत्री की बेटी है कविता पाटीदार। तो बीजेपी पर वंशवाद का आरोप लगाया है, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर भनोत हो, सभी इस वक्त ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने वंशवाद की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पूर्व मंत्री की बेटी है कविता पाटीदार, जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का यह बयान सामने आया। अब ये तो एक ही आरोप है, बीजेपी पर तो बहुत सारे हजारों आरोप हैं, तो कहां से शुरुआत करें उनके आरोपों के। भारतीय जनता पार्टी की जो दो मुही राजनीति है, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने नहीं आ रही क्या? ये दूसरी पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। कविता पाटीदार जी कहां से आती है? मेरी जानकारी के मुताबिक पटवा सरकार में मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, पाटीदार जी की सुपुत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे सकती थी ना। 18 साल सरकार में रहने के बाद कुछ ना करो, कांग्रेस पे आरोप लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। हमने जो किया था वो मध्य प्रदेश के जनता ने देखा था, ओबीसी वर्ग ने भी देखा था कि हमने उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाए थे और सारी जनता की मध्य प्रदेश की भलाई के लिए हमने क्या काम किए थे वो सबने देखा। बीजेपी पर वंशवाद के आरोप लगाए हैं तरुण भनोत ने। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा है कि बीजेपी में ही वंशवाद है और राज्यसभा में जाने पर कविता पाटीदार को पूर्व मंत्री की बेटी भी उन्होंने बताया। तो कई आरोप उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाए हैं। तो भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो कई आरोप तरुण भनोत ने बीजेपी पर लगाए और कमलनाथ ने भी वंशवाद का आरोप बीजेपी पर ही लगाया है। पूर्व मंत्री की बेटी हैं कविता पाटीदार, ये उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान, बीजेपी पर लगाया वंशवाद का आरोप। बीजेपी में कई आरोप हैं, कहां से शुरू करें। बीजेपी पर लगाया वंशवाद का आरोप, कमलनाथ ने आरोप लगाया है वंशवाद पर और पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने भी लगाया वंशवाद का आरोप। कविता पाटीदार को लेकर राज्यसभा भेजे जाने पर कहा कि पूर्व मंत्री की बेटी है कविता पाटीदार। तो बीजेपी पर वंशवाद का आरोप तरुण भनोत ने लगाया। बीजेपी में कई आरोप हैं, कहां से हम शुरुआत करें। कमलनाथ ने कहा, पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने भी वंशवाद का आरोप बीजेपी पर मढ़ा। कविता पाटीदार के राज्यसभा जाने पर तरुण भनोत ने कहा कि पूर्व मंत्री की बेटी है कविता पाटीदार। तो बीजेपी पर ही वंशवाद का आरोप तरुण भनोत ने लगाया और बीजेपी पर कई आरोप हैं, कहां से शुरू करें। कमलनाथ ने कहा, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना। तो बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि तरुण भनोत जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने वंशवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और सीधे तौर पर कमलनाथ ने भी निशाना साधा है वंशवाद को लेकर बीजेपी में। और पाटीदार जो है आपकी कविता पाटीदार, जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनको लेकर भी कहा है कि पूर्व मंत्री की बेटी है। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी इस पर? देखिए, कमलनाथ जी तो उलझ में है। जो हम एक कहावत होती है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कांग्रेस ने जबरदस्ती कश्मीर को जोड़ा। कश्मीरी पंडित मध्य प्रदेश में विषय नहीं है, मध्य प्रदेश में विषय ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने जो कुठाराघात किया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को कैसे समझाएं। विवेक तनखा साहब को उन्होंने अपनी जमानतें कराने के लिए दोबारा भेज दिया, वो है कश्मीरी पंडित।
जबकि मध्य प्रदेश में विषय ओबीसी आरक्षण बना हुआ है। हमारे पास दो सीटें थी, एक सीट पर हमने ओबीसी महिला के रूप में कविता पाटीदार जी को भेजा है। कविता पाटीदार जी जिला पंचायत से लेकर आज तक 20 साल से 25 साल से अपनी राजनीति कर रही है, तो आप मुझे बताइए इसमें उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। एक तो इन्होंने ओबीसी का आरक्षण शून्य करा दिया, और जिस व्यक्ति ने ओबीसी का आरक्षण, हितेश वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी यही तो कह रहे हैं, हितेश वाजपेयी जी, तरुण भनोत और कमलनाथ इसीलिए तो वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं कि कविता पाटीदार पूर्व मंत्री की बेटी हैं, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को कह नहीं पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ओबीसी आरक्षण को शून्य करा दिया मध्य प्रदेश में, उस वकील को उन्होंने फिर से भेज दिया जो कश्मीरी पंडित है, जिसका ओबीसी से लेना देना नहीं बल्कि ओबीसी का नुकसान किया। मध्य प्रदेश में सारी राजनीति केंद्रित है पिछड़ा वर्ग के चुनाव को लेकर, तो अब इसमें वो क्या कहें, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना। भाई चलिए, हमने ये किया, आप अरुण यादव जी को भेज देते, अरुण यादव जी की पहले तो आपने फसल खा गए, लोकसभा का टिकट नहीं दिया उनको, फिर उसके बाद अभी राज्यसभा में भी किनारे लगा दिया, पिछली बार भी दिग्विजय सिंह को भेज दिया था, विवेक तनखा जी को भेज दिया था, इस बार फिर विवेक तनखा, तो मुझे बताइए ना ओबीसी है कहाँ, कहीं नहीं है। तो ओबीसी केंद्रित राजनीति से ध्यान बटाने के लिए उस व्यक्ति को भेजा इसके आरोप से मुक्त होने के लिए जिसने ओबीसी आरक्षण को मध्य प्रदेश में खत्म करवा दिया। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इस प्रकार इसलिए दलीलें दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हितेश जी, आपकी तरफ से भी, जो वी डी शर्मा है उनकी तरफ से भी, उनको बंटाधार पार्ट टू कहा गया दिग्विजय के बाद, तो आपकी तरफ से भी तो ऐसी इस तरह की आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। एग्रीड, हमने उनको क्यों कहा, क्योंकि 15 महीने की सरकार में उन्होंने सारी स्कीम्स बंद करा दी, जो फसल बीमा योजना का प्रीमियम राशि थी उसको खुर्द बुर्द कर दिया, तो फसल बीमा नहीं हो पाया कृषकों का। फिर उसके बाद आप उठा लीजिए लाडली लक्ष्मी योजना निकाल लीजिए, मेधावी छात्र योजना, सर सबका बजट खराब कर दिया, खत्म कर दिया। इसको बंटाधार टू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप बताइए, क्योंकि बंटाधार वन के रूप में हम दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, बहुत बुरी स्थिति थी, लगभग वैसा ही काम उन्होंने 15 महीने में किया, इसीलिए हमने उनको बंटाधार टू कहा, क्योंकि जमीन पर उनकी सरकार कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, बल्कि चलती हुई स्कीम्स को उन्होंने वाइंड अप कर दिया। उन्होंने कहा बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देंगे, मिला क्या किसी को। उन्होंने कहा कि साहब 25 रुपए लीटर हम बोनस देंगे, किस पे, दूध पे 5 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर दूध पे किसी भी किसान को बोनस मिला क्या, किसी को नहीं मिला। ऐसी ऐसी तो उन्होंने ख्याली बातें करी और दिया कुछ, तो बंटाधार टू ही हुए ना साहब। शिवराज जी को प्रीमियम 4,000 करोड़ रुपए जमा करना पड़ा 19-20 का, तब 20-21 में उसकी राशि मिली फसल बीमा की। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान हो, सभी। वाजपेयी जी, आपको रोकना चाहूंगा, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे सीधे मैं जान लेता हूं किस संक्षेप में उन्होंने ये कहा है। तरुण भनोत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और आपसे ये सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सीधे तौर पर बीजेपी को वंशवाद का आरोप बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि जो कविता पाटीदार हैं उनको इसलिए राज्यसभा में भेजा गया है क्योंकि वो पूर्व मंत्री की बेटी हैं। किस संक्षेप, किस किस तरीके से आप इसको देखते हैं, आखिर क्यों ये बयान आपने दिया, क्या वजह रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है वंशवाद का। अभी मैं 2 दिन पहले मोदी जी के बड़े बड़े भाषण सुन रहा था वंशवाद की राजनीति के बारे में, और ये आपने खुद कौन सा उदाहरण पेश किए? आप ओबीसी की बात करते तो ओबीसी कोई सामान्य व्यक्ति को भी तो ले सकते थे, जो आपका पदाधिकारी होता, सेक्रेटरी का होता, जिसका कोई पोलिटिकल पहले ऐसा कोई पारिवारिक वो नहीं रहता, पृष्ठभूमि नहीं रहती। कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए, इसलिए मैंने इनको आईना दिखा। चलिए, मैं एक सवाल भानोट साहब से अनुमति हो तो कर लेता हूँ। जी हितेश जी, विवेक तनखा साहब अपने पिता की वजह से नहीं जाने जाते भानोट साहब, क्या अजय नारायण मुसराम से उनका क्या रिश्ता है, आप बताइए, और अजय नारायण मुसराम जी साहब का कांग्रेस से क्या रिश्ता है, यदि हम आपके ही नियम को मान लें। नहीं, मेरे नियम को नहीं मानिए, जो आप आरोप लगाते हैं उसको, जब आरोप आप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, 4 उंगली आपकी मुड़ रही है। हम मेरे आरोप के साथ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपना आईना देखिए,
दूसरे को ऊपर आरोप लगा के भाग जाना अलग बात है, अपने अंदर भी जांच कर लीजिए। बालो साहब मैं आपकी बात से सहमत हो गया, बिल्कुल सहमत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों दलों ने अपने अपने अच्छे पिताओं के पुत्र और पुत्रियों को भेजा, ऐसा तो मानोगे ना आप? नहीं मुझे ये बताइए, उनके पिता तो जस्टिस थे, उनके पिता तो हाईकोर्ट में जस्टिस थे। तरुण भनोजी, तरुण भनोजी आप भी कह रहे हैं कि वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, कमलनाथ भी कह रहे हैं कि वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, बीजेपी में कई ऐसे आरोप हैं, कहां से शुरुआत करें? ऐसे कौन से आरोप बीजेपी में नजर आ रहे हैं कमलनाथ को और आपको? सुरेंद्र पटवा कौन है? दीपक जोशी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? आकाश विजयवर्गीय कौन है? ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं वंशवाद के, अपने परिवार की पृष्ठभूमि तो उठा के देख लें। हितेश जी जवाब दीजिए, जिन लोगों के बारे में तरुण भनोज सवाल कर रहे हैं जवाब दीजिए। मैं सहमत हूँ भानोट साहब के इस आरोप से, और मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि भानोट साहब ने ये बात स्वीकार करी कि हम दोनों दल एक जैसे हैं। तो जब दोनों दल एक जैसे थे तो ओबीसी का कोई चेहरा भेज देते साहब किसी बड़े पिता के बेटे, अरुण यादव को भेज देते, वो भी तो सुभाष यादव जी के बेटे। आप शायद भूल गए कि राजबली पटेल साहब कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, है ना? और हमने तो उसको भेजा है, हमने तो राज्यसभा में उसको भेजा है। आप कश्मीर फाइल पिक्चर सबको दिखा रहे थे, तो आपने तो कश्मीरी ब्राह्मण आज तक कोई भेजा नहीं राज्यसभा में। जहां तक ओबीसी की बात है कि जो ओबीसी की लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है वो तो विवेक तनखा है। चलिए मान लिया, अब मैं दोनों पे आपसे एक प्रश्न रखता हूँ। आप मुझे बताइए विवेक तनखा साहब कौन से गांव से कश्मीर से उनके परिवार को निष्कासित किया था? एक ऐसा कौन सा केस है किसी व्यक्ति का अट्टू बट्टू का आप बताइए जिसका केस तनखा साहब ने फ्री लड़ा हो, जो कश्मीरी पंडित हो जिसको उसका प्लॉट मिलवाया हो? पता नहीं है जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित की जो यूनियन है वो तो 24 साल से 25 साल से सवाल है, पर मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपको बड़ा देखिए वाकई जी, उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट किया हो, मेरी बात सुन लीजिए। जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित यूनियन के वो हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, और आपको शायद आपको प्रख्यात वकील है, मैं तो 1990 से उनको देख रहा हूँ कि वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक केस का नाम बता दो, विवेक तनखा वर्सेस फलाना, मैं सर मान लूंगा आपकी बात। कश्मीरी पंडित के लिए एक केस लड़ाओ, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई तो राज्यसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए सर, वो तो वकील है ना सर, क्या बोला ये भी देख लीजिए सर, वो तो वकील। अपनी बात करिए, आप उठपटांग ध्यान देते हैं नफरत के बीच, कश्मीरी पंडित जब कश्मीरी पंडित मरते हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं सर, ये तो तरुण भनोजी आपने भी सुना होगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि उनको याद आ गया मैं हिंदू हूं। ये कितनी सोच, ये तो अपनी सोच है। मैं तो ये मानता हूं, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूं, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं भी हिंदू हूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।